व्यू मीटर। सो ये जो व्यू मीटर मैंने पहले बनाया था, ये पीछे से ऐसा दिखता है, सामने से ऐसा दिखता है। इसके अंदर क्या है कि जो इनपुट में जो सिग्नल आएगा ना, उसकी जो वोल्टेजेस होगी, तो जैसे जैसे वोल्टेज पीक पे जाता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर ना कंपैरेटर लगे हुए हैं, तो वो वोल्टेज को कंपेयर करेंगे और ये जो एलईडी स्ट्रिप है ये धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली आगे ग्लो होती चली जाएगी। तो व्यू मीटर का अंदर होगा वॉल्यूम यूनिट मीटर, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं वॉल्यूम कितना दे रखा है इनपुट में। तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता चला जाऊंगा मैं, ये एलईडी स्ट्रिप ऊपर चलती चली जाएगी। तो ये इसलिए बनाया गया था कि जिससे कि हम देख सके कि हम इनपुट में कितना वॉल्यूम दे रहे हैं, वॉल्यूम को नापने के लिए। और इसमें ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज किए मैंने, ये रहे हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर LM324। हर एक आईसी के अंदर LM324 के अंदर क्वाड ओप एम्प होते हैं, मतलब चार ऑपरेशन एम्पलीफायर होते हैं। तो चार यहाँ पे, चार यहाँ पे, और टोटल लेडीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 LEDs हैं। तो एक ऑपरेशन एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, जो इनपुट में जो सिग्नल आता है, तो इनपुट में जो सिग्नल आता है उसको पहले यहाँ पे जो लगा हुआ एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसको एम्पलीफाई करता है। तो उसके वे जो वोल्टेज आउटपुट में आ रही होती है, वो सारी वोल्टेज इन सब के इन्वर्टिंग इनपुट पे जा रही होती है, और जो नॉन इन्वर्टिंग वाली इनपुट है उस पर ये पोटेंशियल डिवाइडर लगे होते हैं जो मैंने रेजिस्टर से बनाकर लगा रखे हैं। तो उन वोल्टेजेस को कंपेयर करते हैं, जो यहाँ से जो इनपुट में आ रही होती है वोल्टेज और जो पोटेंशियल डिवाइडर से जो इनको इनपुट मिलती है, उन दोनों वोल्टेज को वो कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद वो फिर आउटपुट देते हैं इन एलईडीज पर। तो जैसे जैसे यहाँ पे इनपुट में वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा, वैसे वैसे ये एलईडी स्ट्रिप इंक्रीज होती चली जाएगी, मतलब ग्लो होती चली जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इनपुट में हम कितना वॉल्यूम दे रहे हैं और कितना डीबी तक हम आगे जा चुके हैं। और ये सर्किट पीछे से ऐसा दिखता है। तो जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है उसमें बहुत सारे ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन होता है कंपैरिजन का। तो एज अ ऑपरेशन एम्पलीफायर, एज अ कंपैरेटर में काम कैसे करता है कि इसमें जो इन्वर्टिंग इनपुट होती है एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है। तो इन्वर्टिंग इनपुट का सिंबल नेगेटिव से शो किया जाता है और नॉन इन्वर्टिंग का सिंबल पॉजिटिव से प्लस के साइन से शो किया जाता है। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि अगर जो इन्वर्टिंग इनपुट है नेगेटिव साइन वाली, अगर वो ज़्यादा वोल्टेजेस हैं पॉजिटिव साइन वाली से, तो आउटपुट नेगेटिव आएगी, मतलब वो ग्राउंड में आउटपुट देगा, और मतलब जो आउटपुट आएगी उसको वो ग्राउंड कर देगा। अगर हमारी जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो ज़्यादा है इन्वर्टिंग इनपुट से, मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव के है, तो आउटपुट हमारी हाई होगी, जो हाई रेल पे आएगी, जो VCC हम यूज़ कर रहे होंगे इनपुट देने के लिए ऑपरेशन एम्पलीफायर को। तो ऐसे वो वोल्टेजेस कंपेयर करता रहता है कि जो वोल्टेज ज़्यादा होगी वैसे ही वो आउटपुट देगा। तो इसके अंदर यही हो रहा है कि पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया मैंने, कि फिक्स कर दिया, मान लो मैंने 1 वोल्ट दे रखी है फर्स्ट एलईडी को, सेकंड एलईडी को मैंने 2 वोल्ट दे रखी है, ऐसे करके मैंने लैडर बना रखा है रेजिस्टर का जो ऑपरेशन एम्पलीफायर पे लगा हुआ है। तो जैसे ही इनपुट में सिग्नल आता है और अगर वो 1 वोल्ट को क्रॉस कर देगा तो आउटपुट हाई हो जाएगी, तो हमारी फर्स्ट एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर सेकंड 2 वोल्ट को वो क्रॉस करता है इनपुट और 1 को भी कर रहा है साथ साथ, तो फर्स्ट एलईडी भी ऑन रहेगी, सेकंड एलईडी भी ऑन रहेगी। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होती चली जाएगी, तो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर आउटपुट हाई करता चला जाएगा एलईडीज की, और पूरा लैडर ग्लो होने लग जाएगा। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि इनपुट जो मैं सिग्नल दे रहा हूँ वो कहाँ पे हाई और कहाँ पे लो।